आज उस्मान की ड्यूटी लग गई है दही में चीनी मिक्स करने की। उस्मान वैसे आज आप खुद ही उठ के कैसे आ गए? अच्छा मैं तो उठाने नहीं गई थी आपको। अच्छा अच्छा थोड़ी सी आवाज़ कम करेंगे। आज ना मैं उठाने नहीं गई उस्मान को, अभी मैं ना जस्ट दही वगैरह डाल रही थी, उस्मान खुद ही उठ के आ गए। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से जाके ना दही में चीनी डाल दी है तो आप ना मिक्स करें, इतना तो मेरी हेल्प हो जाए। रात को जो मैंने चने बनाए थे ना, रात को तो खाना खाया नहीं हमने हॉस्पिटल से आके। अब चाय बना के लाए, चाय पीते हैं। कौन कौन चाय पीता है? हम तो लाजमी चाय पीते हैं, इसके बगैर ना हमारा रोज़ा तो नहीं होता। क्योंकि ना सर दर्द करने लग जाता है अगर चाय ना पी जाए। अफ्तारी के बाद भी ना दिल करता है फ़ौरन चाय बस आ जाए, और सहरी में मजबूरन पीनी पड़ती है इसलिए कि सर ना दर्द करे सारा दिन। अब अजान हो जाएगी, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ के ना फिर मैंने सो जाना है। फिर सुबह उठ के ना व्लॉग का स्टार्ट करूँगी। मॉर्निंग हो गई है हमारी, हम तकरीबन 12 बजे सो के उठे हैं। आज मुझे हुज़ैफ़ा ने ना नींद पूरी करने दी है, इसने कहा जा माँ सो जा, तुझे कुछ नहीं कहता आज। उठ के ना आराम से खेलता रहा, सुबह दूध पी के ना सो गया, तो फिर जब उठा है ना तो उसने मुझे तंग नहीं किया, आराम से खेलता रहा है। मैंने कहा शुक्र है आज इसने ना मुझे नींद पूरी करने दी है। अभी नमाज और कुरान पाक पढ़ के फ्री हुई हूँ, और हुज़ैफ़ा को खाना वगैरह खिला के सब कुछ करके ना अब थोड़ी देर ना टीवी लगाया हुआ था मैंने, इसको नाते सुना रही थी। मैंने कहा आप बैठ के ना उतने नाते सुन लो, और अभी देखे मैं इसकी ना आज ना मैं इसकी गोदी में ना सर रखने लगी हूँ, देखे मेरा क्या हाल करता है ये। बस इसने ना मुझे मार मार के ना मेरा त्यानाश कर देना है। एक मिनट आप पता ड्रामा दिखाती हूँ, ये देखे अभी मैं इसकी गोदी में सर रखने लगी, फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। ये देख ये क्या किया आपने, मम्मा के साथ क्या किया आपने बताओ। ये वाला सूट मैंने स्पायर से लिया था पिछले साल, जो कि अभी तक स्टिच नहीं हुआ। मुझे इतना प्यारा लगा था ना ये, मैंने कहा था अभी पिछले साल लिया था तो मैंने कहा अभी जाके ना मैंने स्टिच करके पहन लेना, लेकिन ना टाइम ही नहीं बस मिलता, क्या करूँ मैं। उस्मान कहते होते हैं तुमने एक सीज़न ख़त्म करके ना अगले सीज़न कपड़ा, जब डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है ना, डिज़ाइन पुराना हो जाता तब तुमने ना इसको पहनना होता। ये पैच मेरे पास पड़ा हुआ था, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इसके साथ ना मैचिंग करके, मैं सोच रही थी इसके बाजुओं को लगा दूँ। अब देखती हूँ अगर तो बाजुओं पर अच्छा लगा तो लगा दूँगी, वरना नहीं। और इसके साथ लॉन्ग का दुपट्टा है, अब इसको मैं शिलिंग करती हूँ फिर इसको स्टिच करूँगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा मैंने लाजमी करना है ये वाला स्टिच। आज सुबह ना दूध बॉयल करने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया। अब बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, बर्तन भी मैंने अभी वॉश किए हैं। अल्लाह अल्लाह करके बस ना उठ के हिम्मत करके आई गई, मैंने कहा बर्तन वॉश करती हूँ और दूध बॉयल करती हूँ, क्योंकि लस्सी बनानी होती है ना अफ्तारी में तो, और दही भी बनाना होता है तो ठंडा हो जाएगा अपनी देर थोड़ा थोड़ा। आज ना उस्मान की पसंद के ना कटलेट्स बनाने लगी हूँ। इसको मैंने ना आलूओं को इस तरह से गुलाई में ना काट के रख लिया, और ये बेसन है इसमें मैंने नमक डाला है, मिर्ची डाली है, और धनिया पाउडर ना ग्राइंड किया वो डाल दिया, और इतने से आलू हैं। और यहाँ पर जो ना हमारा जो घी है वो गर्म हो रहा है, तो जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कम में ना अच्छी तरह से चीज़ फ्राई नहीं होती, तो थोड़ा सा और डाल दूँगी तो फिर इसे को फ्राई करती हूँ। अभी मैं दही के लिए जाग लगा के हटी हूँ और लस्सी बनानी है। अभी आज थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ मैं, उस्मान का वेट करती रहूँगी, आएंगे और मुझे बेसन ला के देंगे। बेसन घर में नहीं था, मेरा माइंड था कि पकौड़े बनाऊँगी आज, तो चलें कल देखती हूँ कल क्या बनता है। अभी तो फ़िलहाल ये तैयार करने लगी हूँ मैं। और ये नगर्स जो है ना मैंने फ्रीज किए हुए हैं, तो इसमें से नगर्स निकालती हूँ। खुल जा मामिया, इसमें मैं ना निकल ही नहीं रहा, इसमें पहले ना निकाल के ना रख दूँगी, क्योंकि फ्रीज किए हुए हैं ना तो अच्छी तरह से ना इनमें बर्फ जमी हुई है, ताकि ये बाहर निकाले रहें और ये फ्राई करने वाले हो जाए।
इतने ज्यादा हार्ड हुए ना, बड़ी मुश्किल से मैं निकाल रही हूँ इनको, बस इतने बहुत हैं। अभी रोल भी पड़े हुए, वो भी मैंने निकाल लिए। इनको उसी वक्त निकाल के ना मैं फ्राई कर लेती हूँ। और जो नगर्स है ना, ये फुल हार्ड हुए, सख्त वाले हुए, पत्थर बने हुए हैं ये देखें। इनको मैं ना थोड़ी देर रखूँगी, जब ये सारे बन जाएंगे ना एंड पर मैं इनको तलूँगी, तब तक नरम हो जाएंगे ये। कैमरे में देखते देखते ना कहीं मैं ऑयल में ना फिंगर ही ना डिप कर लूँ ये बड़ा मसला रहता है कैमरे में देखते हुए काम करना ना, बड़ा मुश्किल है। अगर कैमरे में देखें ना तो फिंगर डिप हो जाएगा, अगर मैं सामने देखूँ तो कैमरा आगे पीछे हो जाएगा। चले थोड़ा सा तो करते हैं ना स्क्रीन शूट, थोड़ा सा तो शूट लेने के लिए करना ही पड़ेगा ना। बस ये लास्ट वाला बस डालती हूँ मैं, और बस सबसे बड़ा रोज़ेदार जो है ना ये है। ज़ैफ़ा, रोज़ा लग रहा है आपको? और छोटा रोज़ेदार वो सामने सोया हुआ है। उस्मान ना जल्दी ऑफिस से आ जाते हैं और ना आके नमाज पढ़ी असर की, नमाज पढ़ के ना अब सो गए हैं। टीवी लगाया हुआ था, टीवी देखते देखते ना टीवी बंद किया, टीवी भी नहीं बंद किया और सो गए चलो उठो टाइम हो गया है। वो बेचारा अभी बाबा बाबा करके चुप हो गए, लेट गया कि बाबा तो आवाज़ ही नहीं दे रहे। उठ जाओ, टाइम टाइम हो गया है, दोनों रोज़ेदार उठ जाओ। ये हुज़ैफ़ा की लस्सी आ गई है। हुज़ैफ़ा से ना शीशे के ग्लास में पानी नहीं पियो होता, वो उसका जो किनारा होता है ना मोटा होता है, इसका किनारा थोड़ा सा पतला होता है। इस स्टील के ग्लास से ना हुज़ैफ़ा से पानी ठीक पी होता है। और ये हुज़ैफ़ा की चिप्स आ गई, और सामने देखे कैसे देख रहा है। ज़ैफ़ा इधर देखो, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये नज़र नज़र, ओ हो हो हो, मुँह में पानी आ गया था, चिप्स खानी है। चलो अपने बर्थडे को मुँह खिलाते हैं, अभी तो गम है, अभी बहुत गम है। अब मैंने जस्ट ना ये वाली चिप्स ही बना लिए, क्योंकि ये ज़्यादा ही आलू कट हो गए, तो फिर मैंने नगेट्स वगैरह नहीं बनाए। और ये खजूरें और एप्पल है, ये चटनी बनाई हुई है मैंने, और इधर लस्सी कच्ची बना के रखी हुई है। और ये हुज़ैफ़ा की इफ्तारी जो है ना हो गई है, उसने बस इतना खाया, हमारे साथ दोबारा फिर खाएगा, उसे पता चल गया कि ये नहीं खा रहे ना, तो इसलिए उसने बस इतनी सी खाई है, छोड़ दी है, अब फिर खाएगा बाबा के साथ बैठ के। ठीक है, पहले बच्ची भी है ना, रोज़ा इफ्तार होने वाला है, बस अब दुआ मांगते हैं और इफ्तारी हमारी ये वाली हो गई। आज ना इफ्तारी करने के बाद ना पता नहीं क्या हो गया, एकदम से मेरी तबीयत मतलब अजीब सी होगी, चक्कर से आने लग गए, मैं लेट गई हूँ। और जो इफ्तारी के बाद सोई हूँ मैं, इतना ज़्यादा सोई हूँ, इस वक्त 9:30 हो चुके हैं और अब मैं उठी हूँ जाकर, वो भी हुज़ैफ़ा ने मुझे उठाया टांगे मार मार के, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। ये मेरे साथ यहाँ लेटा हुआ था, ये खेल रहा था, मैं सो गई थी। उस्मान भी उठाने की कोशिश करते रहे हैं, उठ जाओ क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ, इतना सोई हूँ ना, और अब तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो गई है। हुज़ैफ़ा को भी भूख लग गई थी और मैं चाय बना के लेके आई हूँ, हुज़ैफ़ा को दूध दिया है, और हुज़ैफ़ा ने अब सो जाना है। इस वक्त 10 बज गए हैं रात के, हुज़ैफ़ा ने आहिस्ता आहिस्ता ना अब सोना है, दूसरे रूम में जाके हुज़ैफ़ा सोना है, आपने इधर नहीं सोना। ऐसे के बाबा को मैंने कहा आप इसको दूध पिला दे, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। उस्मान बोतल लेके आए थे, थोड़ी सी बोतल पिए, उससे भी ना सर दर्द कम हुआ, लेकिन असल जो सर दर्द की दवाई है ना, मेडिसिन कह लें, वो चाय है। रात को चाय लाजमी पीनी पीनी है रमज़ान में। दूसरे दिनों में सुबह की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन रमज़ान में ना जो जिस्म दर्द कर रहा होता है, सर दर्द कर रहा है, सबसे पहले ना मेरा जो सर ना वो इफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा दर्द करता है ना, जब तक चाय ना मिला, चाय मिलेगी ना अब ऐसा लगेगा जैसे बता नहीं रोज़ा रखा ही नहीं है, इतना ज़्यादा ये चाय सुकून देती है। और थोड़ी सी तेज़ पत्ती वाली हो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, और मेरी तो है अभी विदाउट शुगर के। उस्मान आपको भी विदाउट शुगर ना दे दिया करो? अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ना चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगती, शक्कर वाली फिर भी मैं यू पी लेती हूँ, लेकिन चीनी वाली जो चाय है ना वो नहीं मुझे ज़्यादा पसंद। तो बस चाय पीते हैं और इसके बाद हुज़ैफ़ा को सुलाना है, और फिर ना नेक्स्ट ब्लॉग जो है ना वो इफ्तारी से स्टार्ट करूँगी। आज का ब्लॉग बस यही तक था, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ लवली टाइम, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा अब ना थोड़ा सा सुस्त सा डाउन सा होता जा रहा है, इसकी इसको इस ये बता देता है कि अब लाइट्स ऑफ कर दो, टीवी बंद कर दो, मुझे बेड पे लेके जाओ, फिर मैंने सोना है, और हमें बोलने दे रहा, और थोड़ा सा छेड़ते हैं तो ऐसे करता है।
चलो उधर जाते हैं चाय पी के ना, फिर आपको सुलाते हैं। बाबा अल्लाह हाफिज़।